कि आप जानते हैं अब स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे आने ही वाला है जो कि 15 अगस्त को है। हम इसी उपलक्ष्य में आज एक झंडा, हमारे देश का तिरंगा झंडा बनाना सीखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक A4 साइज शीट ले लीजिए, बिल्कुल कोरी शीट ले लीजिए। अब आप इसको स्केल और पेंसिल की सहायता से इसको बिल्कुल 3 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए। पहले इसको पूरा माप के, जैसे ये मेरे पास 21 सेंटीमीटर है, तो अब मैं इसको 7-7 के 3 भागों में बांट दूंगी। ये मैंने निशान लगा लिए हैं और अब हम स्केल की सहायता से इसे बांट देंगे। अभी 3 बराबर भागों में बढ़ चुकी है। अब हम इसके अंदर रंग भरेंगे, देखते हैं रंग। अब देखिए, आप जानते ही हैं हमारे झंडे के सबसे ऊपरले भाग में केसरिया रंग, बीच वाले भाग में सफ़ेद रंग और सबसे नीचे वाले भाग में हरा रंग होता है। सबसे ऊपर वाले भाग में हम सबसे पहले जो केसरिया रंग है वो करेंगे। सकते हैं मैंने ऊपर वाले पूरे भाग में केसरिया रंग कर लिया है, बीच वाले भाग में सफ़ेद रंग होगा क्योंकि ये शीट पहले से ही सफ़ेद है तो हम इसमें रंग नहीं करेंगे। सबसे नीचे वाले भाग में हरा रंग होगा। ये देखिए, ये मेरे पास हरा रंग है। अब मैं इस हरे रंग को सबसे नीचे वाले भाग में इस प्रकार से करूँगी। अब देखिए, मैंने इसके सबसे नीचे वाली पट्टी में हरा रंग भी कर लिया है। अब आप जानते ही हैं हमारे तिरंगे झंडे के बीच में एक अशोका चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं जो हमारे दिन के घंटों का संकेत देती हैं। अब हम उस अशोका चक्र को इसके बिल्कुल बीचों बीच इस, ये देखिए मेरे पास कंपस है, इसकी सहायता से हम बिल्कुल बीचों बीच एक इसके बीच में एक वृत्त बनाएंगे। सबसे पहले आप इसको बिल्कुल आधा आधा मोड़ लीजिए बीचों बीच। ये देखिए, ये मैंने एक साइड से मोड़ लिया है, दूसरी साइड से भी आप इसी प्रकार मोड़ लीजिए और जो आपकी सबसे बीच वाली जो बिंदु आएगी उस पर आपने अपने प्रकार की नोब को रखकर पेंसिल के साथ वृत्त बनाना है। ये देखिए, मेरे पास बिल्कुल बीच वाली ये लाइन आ गई है। अब मैं इस पर रखकर अपने कंपास और इस प्रकार से इसको अपने हाथ तक खोलकर और यहाँ पे एक चक्र बना दूंगी जिसको हम अशोका चक्र कहेंगे। ये देखिए, मैंने ये अशोका चक्र बना दिया है। इस चक्र के बीच में 24 तिल्लियां बनाएंगे। अब आप फुटे और पेंसिल की सहायता से जो हमने ये दो रेखाएं हमारी बीच में आई हैं इनके ऊपर लाइन मार दीजिए इसी प्रकार से बिल्कुल बीचों बीच। ये हमारी 4 तिल्लियां हो चुकी हैं। अब हम इनके बीच में और मार देंगे लाइन इसी प्रकार से। अब हम मारते जाएंगे। ये हमारे पास कितने हो गए गिन सकते हैं आप, ये हमारे पास 16 तिल्लियां तो हो ही गई हैं। अब मैंने इस अशोका चक्र के बीचों बीच 24 तिल्लियां बना ली हैं। अब आप इस अशोका चक्र में नीला रंग भर देंगे। ये देखिए, ये मेरे पास नीला रंग है। अब मैं इसके अंदर नीला रंग भरूंगी। ये मैंने इस चक्र में नीला रंग भर लिया है। अब मैं इस झंडे को तैयार करने के लिए ये इसके ऊपर डंडी लगाऊंगी। अब टेप की सहायता से हम ये डंडी लगा लेंगे। हमारे जो झंडे में ये सफ़ेद, जो ये हमारे झंडे में केसरिया रंग है, ये हमारे त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग हमारे देश की शांति का प्रतीक है और जो ये हरा रंग है ये हमारे देश की हरियाली का प्रतीक है।
जो इसके जो हमारे झंडे के बीच में अशोका चक्र है, ये हमारे दिन के 24 घंटों का प्रतीक है। हमारा झंडा हमें 24 घंटे काम करने की प्रेरणा देता है और अपने देश के लिए त्याग बलिदान करने की प्रेरणा देता है। अब हम इस झंडे को इस प्रकार से तैयार कर लेंगे। टेप की सहायता से आप इसे चिपका लीजिएगा। अगर आपको ये आप इसे फेविकोल की सहायता से भी चिपका सकते हैं। अगर आपके पास टेप ना हो तो आप इसे फेविकोल की सहायता से भी चिपका सकते हैं। अब ये देखिए, आपका तिरंगा झंडा बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे घर में ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये झंडा पसंद आया होगा। ये देखिए, आप इसे इस प्रकार से फहरा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये झंडा पसंद आया होगा। इसी प्रकार खेल खेल में पढ़ाई करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।